दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है और उसका ओरिजिनल चार्जर खराब हो चुका है तो आप उसके लिए कोई ना कोई डुप्लीकेट चार्जर खरीदने किसी भी रिपेयरिंग शॉप या तो किसी भी शॉप पे चल जाते हो। कोई कोई तो सर्विस सेंटर भी जाता है ओरिजिनल चार्जर के लिए। दोस्तों मेरे पास आज दिखाता हूँ मैं वीवो V25 का चार्जर है, रियलमी का 65 वाट का चार्जर है और ये वन प्लस का 65 वाट का चार्जर है और ये एप्पल का 20 वाट का चार्जर है और सैमसंग का 25 वाट वाला चार्जर है। दोस्तों इन चार्जर का एक्चुअली में प्राइस कितना है और आप अगर खरीदते हो किसी भी दुकान में जाके आप खरीदते हो तो आपको सही चार्जर कैसे मिलेगा, आप अपना मोबाइल के लिए कैसे सही चार्जर ले सकते हो वो भी आज डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले मैंने टेम्पर ग्लास के लिए वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था कि आईफोन का टेम्पर ग्लास कितना कम पैसा में मिलता है और आप लोग कितना ज़्यादा पैसा देके उसको खरीदते हो। तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 2 दिन पहले वीडियो सेक्शन में जाओ, 2 दिन पहले वो वीडियो पड़ा था उसको देख लेना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आईफोन का जो ग्लास होता है वो कितना पैसा एक्चुअल में प्राइस होता है और आपने उसको कितना पैसा से खरीद के अपना टेम्पर ग्लास लगाए हो। क्योंकि जहाँ पे उसका कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना कम होता है और आप उसका कम से कम 40-50 गुना ज़्यादा देते हो तो सोच लो कितना पैसा कम होगा। तो आप उस वीडियो को जाके देखो, एंजॉय करो और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा चार्जर बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों आपको मैंने इधर दिखाया कि चार्जर, देखिए ये जो है चार्जर है और ये आपको लग रहा होगा कि 65 वाट वाला चार्जर है। देखिए इधर भी लिखा हुआ है 65, इधर भी लिखा हुआ है 65 और इसमें भी लिखा होगा सैमसंग का 25 वाट का चार्जर है और इसमें भी लिखा होगा आपका ये जो है एप्पल का 20 वाट का चार्जर है और ये जो है वीवो का V25 प्रो का कितना 80 वाट का चार्जर है। देखिए इधर लिखा है 80 वाट का चार्जर है। तो आपको लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल है, दोस्तों ये ओरिजिनल नहीं है, ये सभी जो है कॉपी चार्जर है। तो आपको बता दे रहा हूँ अगर आपको पता नहीं है और आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप में जाके या तो किसी भी मोबाइल शॉप में जाके चार्जर बोलते हो, आप बोलते हो कि वन प्लस का एक 65 वाट वाला चार्जर दे दो, तो आपको ऐसा अगर निकल के दे दे और आपको अगर पता नहीं रहता है तो आप कॉपी चार्जर लेके आ जाओगे ओरिजिनल प्राइस देखे। देखिए इसका प्राइस 250 से 300 रुपया हम लोग को खरीदने में मिलता है और हम लोग इसको 300 से 350 रुपये में बेच देते हैं, 50-100 रुपया रख के हम लोग बेच देते हैं। लेकिन ये वाला जो चार्जर है ये लगभग 800-900 रुपये का आता है और हम लोग इसको कितना 1000 रुपये के जैसा इसको बेचते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल चार्जर बहुत कीमत है, अगर आपने ऑनलाइन भी देखा होगा तो 2500-3000 रुपया इसका ओरिजिनल कीमत है। अगर आपको ऐसा डब्बा दिखा के, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा डब्बा दिखा के कोई भी 3000 ले जाए तो, और आपको पता भी ना चले कि एक्चुअली में ये ओरिजिनल है या तो डुप्लीकेट है, तो आपको कैसे लगेगा। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका कोई भी मोबाइल चार्जर खराब हो गया है, अगर आपको ओरिजिनल ही चाहिए, 100% ओरिजिनल ही चाहिए, तो आप सर्विस सेंटर विजिट करके ले सकते हो। और मैं और एक बात बताऊं, अगर आपका ओरिजिनल चार्जर खराब हो चुका है और आप कोई डुप्लीकेट चार्जर से वो मोबाइल को चार्ज करते हो, मुझे जितना पता है कि आपका बैटरी का जो ड्यूरेबिलिटी है थोड़ा कम हो जाता है, मतलब बैटरी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, जितना ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करने से चलता है उतना कभी भी डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज करने से नहीं चलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा चीज़ है कि अगर आप डुप्लीकेट चार्जर खरीदते हो तो आपका मोबाइल कभी भी ओरिजिनल चार्जर जैसा फास्ट चार्जिंग नहीं देगा, भले वो 65 वाट का हो, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट होता है। तो ये बात मैं बता रहा हूं कि अगर आप कभी भी कोई भी चार्जर खरीदने के लिए जा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, अपना मोबाइल साथ में लेके जाना। और अगर आपको डुप्लीकेट ही खरीदना है, आपने ओरिजिनल पैसा नहीं देना है, डुप्लीकेट ही खरीदना है, तो आप उधर में जहाँ पे भी आप चार्जर खरीदने जा रहे हो वहाँ पे मोबाइल को चार्जिंग लगा के मिनिमम 10-15 मिनट चार्ज करके देख के लाना। क्योंकि दोस्तों मैं एक दुकानी हूँ, मुझे पता है कि जो इसमें लिखा होता है वो कभी सही नहीं होता है, मतलब 65 वाट वाला चार्जर कभी कभी 65 वाट वाला नहीं निकलता है, 12-15 वाट 30 वाट का लगा के वो 65 वाट लिख देता है, क्योंकि ये कॉपी है उसमें उतना अच्छा कैपेबिलिटी नहीं होता है। देखिए मैंने बहुत सारा चीज़ में ऐसे देखा है कि 65 वाट तो लिख देता है और जब चार्जिंग लगाओगे 65 भी दिखाएगा लेकिन चार्ज 65 वाट वाला नहीं होगा,
मतलब बहुत स्लो होगा, लेकिन उसी जगह में ओरिजिनल चार्जर लगा आपका 65 वाट वाला जितना फास्ट चार्ज होता था उतना ही फास्ट चार्ज होगा। तो ये डिफरेंस रहता है, आप कोशिश करना कि अपना मोबाइल साथ में लेके जाओ, उधर चार्ज बैठाओ, देखो, देख के चार्जर खरीदो। और मैं बता दिया आपको डुप्लीकेट चार्जर कितना में पड़ता है, एप्पल का या तो सैमसंग का, ये भी ज़्यादा नहीं 400-500 रुपया में मिल जाता है नॉर्मली अगर कॉपी लेते हो, ओरिजिनल तो आपको पता ही होगा या तो आप सर्विस सेंटर विजिट करके देख सकते हो। इस वीडियो में मेरा बताने का ये था कि आपका मोबाइल का चार्जर अगर ख़राब हो चुका है और आप अगर चार्जर खरीदने जा रहे हो तो सही डिसीजन लेना और सही चीज़ का सही पैसा देना। कभी भी कम दामी चार्जर लेके ओरिजिनल का वैल्यू मत देना, अच्छा से चेक करना। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।